नमस्कार दोस्तों पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ एन का चैप्टर थ्री मैट्रिसेस का एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन को सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस क्या होता है मैट्रिसेस कितने तरह के होते हैं उसका हमने एक बेसिक कंसेप्ट का वीडियो बनाया हुआ है अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा वहाँ पर हम उसका लिंक दे देंगे देख लीजिएगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में इन द मैट्रिक्स ए देखिए मैट्रिक्स का साइन ये है ब्रैकेट जैसा इसके अंदर जो नंबर देख रहे हैं टू फाइव नाइनटीन माइनस सेवन थर्टी फाइव माइनस टू फाइव बाई टू ये सब जो नंबर आप देख रहे हैं इसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं क्या कहते हैं एलिमेंट्स ओके ये मैट्रिक्स का साइन इसके अंदर जो नंबर उसको एलिमेंट्स कहा जाता है तो इसी क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए ठीक है ऑर्डर ध्यान दीजिए ऑर्डर क्या होता है ऑर्डर के बराबर होता है रो इन कॉलम ठीक है यानी कि इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं ये आपको बताने हैं समझ में आया देखिए रो किसको कहते हैं जैसे ये पेन है अगर इस पेन को हम जीरो डिग्री हॉरिजॉन्टल इस तरह से रखेंगे इस लाइन में जितना भी नंबर आ रहा है यानी कि टू फाइव नाइनटीन माइनस सेवन यही नंबर जो है वो हमारे फर्स्ट रो में कहलाएगा यानी कि ये फर्स्ट रो है और इसी तरह से ये भी रो है लेकिन ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है आगे समझ में और इसी का जस्ट उल्टा ऑपोजिट होता है कॉलम ठीक है कॉलम में 90 डिग्री इस तरह से वर्टिकल कर लीजिए इसमें जो भी नंबर आ रहा है जैसे 235 थर्टी फाइव अंडर रूट थ्री तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा ये सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम तो इससे हमको पता लगा कि इस मैट्रिक्स में थ्री रो है और फोर कॉलम है आगे समझ में समझ में आया तो हमने आपको अभी तुरंत बताया था क्या बताया था हमने आपको ये बताया लिख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ठीक है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तो लिख लीजिएगा ऐसे ऑर्डर जो है वो कितना के बराबर होता है हरदम याद रखिए रो सबसे पहले आएगा फिर बाद में कॉलम आएगा ठीक है आगे समझ में तो इसका मतलब ऑर्डर के बराबर कितना हो जाएगा थ्री रो है कॉलम है फोर तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ थ्री इंटू फोर टाइप का आगे समझ में क्लियर थ्री इंटू फोर टाइप का ही रहेगा ऐसा भूल से भी नहीं करना है कि फोर इंटू थ्री कर लिया ऐसा भूल से भी नहीं क्लियर अब आगे देखते हैं इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए हमने आपको बताया ना अभी जस्ट कि ये मैट्रिक्स के अंदर जो भी आप नंबर देख रहे हैं ये सब क्या है एलिमेंट्स हैं। तो पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो ऐसे सिंपल गिनेंगे वन टू थ्री फोर एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो ट्वेल्व एलिमेंट्स हैं वैसे भी सिंपल में अगर हम एलिमेंट्स जानना चाहते तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते तो वो कितना हो जाता ट्वेल्व एलिमेंट्स समझ में आ गया ट्वेल्व एलिमेंट्स क्लियर अब थर्ड नंबर में देखिए कह रहा है कि राइट द एलिमेंट्स ए वन थ्री ए ट्वेंटी वन ए थर्टी थ्री ए ट्वेंटी फोर एट ट्वेंटी थ्री ये देख के डरी मत बहुत ही आसान सा चीज है कैसे समझाते हम आपको देखिए यहां पर देखिए किस तरह का ये मैट्रिक्स है थ्री इंटू फोर यहां पर जो नंबर लिखाता है ये समझ लीजिएगा कि वो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना चाह रहा है ठीक है यानी कि ये मैट्रिक्स थ्री इंटू फोर टाइप का है तो स्मॉल लेटर में क्या होता है दोस्तों ए ए लिखते हैं हम लोग ठीक है इस तरह से देखिए एकदम सेम टू सेम यहां पर लिखे एक दो तीन चार है ना यहां पर एक दो तीन चार और इसका हाइट कितना है तीन है तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे एकदम सेम टू सेम पूरा जगह हम ए ए लिख लेंगे ठीक है अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या होता है वन वन होता है वन वन क्यों होता है ये पोजीशन बताता है यानी कि ये जो एलिमेंट है ये क्या बता रहा है पोजीशन बता रहा है कैसा पोजीशन ये बोल रहा है कि हम फर्स्ट रो पर हैं ध्यान दीजिए यह क्या हमने बताया था आपको रो और इसको कॉलम बताया था यानी कि यह बताना चाह रहा है कि ये हम फर्स्ट रो में हैं और फर्स्ट कॉलम पे है है ना देखिए फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है इसी तरह से यहां पर यह वन टू हो जाएगा फर्स्ट रो में है सेकेंड कॉलम में है ठीक है फर्स्ट रो में है थर्ड कॉलम फर्स्ट रो में फोर्थ कॉलम में आया आप ऐसे भी लिख सकते हैं इलेवन फोर्टीन, फिर यहां पर आपको थोड़ा समझना होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फिर इसके ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर क्लियर इसी तरह से ये क्या है थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम है थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर क्लियर अब इसी को यहां से कंपेयर करके बताना है हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ ए थर्टीन ए ट्वेंटी वन का वैल्यू ए थर्टीन ए ट्वेंटी वन का वैल्यू चाहिए बहुत ही सिंपल है देखेंगे ए थर्टीन इधर है यानी कि फर्स्ट से थर्ड में है है ना यहाँ पर तो हम इससे कंपेयर कर लेंगे देखिए है ना थर्ड पर नंबर कौन है नाइन्टीन है तो एट थर्टीन का वैल्यू नाइन्टीन हो जाएगा ट्वेंटी वन का क्या है यहाँ देखिए कंपेयर करिए थर्टी फाइव है तो हो गया कितना सिंपल है और हमको चाहिए थर्टी थ्री ट्वेंटी फोर का थर्टी थ्री और ट्वेंटी फोर का चाहिए ना तो थर्टी थ्री कंपेयर करिए कहां पर है देखिए यहां है तो जाएंगे इधर माइनस फाइव हो जाएगा आराम बहुत आराम बहुत, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्वेंटी फोर देखिए यहां पर है ट्वेल्व अब एक लास्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी थ्री वो आप खुद बता सकते हैं ट्वेंटी थ्री का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए फाइव बाई टू क्लियर बस यही तो करना था सिंपल समझ में आ गया आगे देखिए अब कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज़ ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स वाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव ठीक है वाट इफ इट हैज थर्टीन एलिमेंट्स कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स हैं जैसे इसमें कितना एलिमेंट्स था ट्वेल्व एलिमेंट्स था तो कह रहा है कि इसी तरह का मैट्रिक्स है लेकिन उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स हैं तो कितने उसके पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं ऑर्डर समझ में आ रहा ना? है ना यानी कि रो इंटू कॉलम नहीं आया समझ में समझाते हैं सेकेंड नंबर में देखिए दो क्वेश्चन दिया गया है ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स और थर्टीन एलिमेंट्स बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है समझिएगा ठीक है ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स का बात किया जा रहा है ऑर्डर यानी कि ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम होता है ठीक है तो हम ट्वेंटी फोर को किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं यानी कि हम इसको वन इंटू ट्वेंटी फोर लिख सकते हैं क्योंकि देखिए इसका जो वैल्यू है वन इंटू ट्वेंटी फोर का वो ट्वेंटी फोर ही रहेगा यह चीज़ नहीं लिखना है ये चीज हम आपको समझाने के लिए बताएं यानी कि वन इंटू ट्वेंटी फोर हो गया टू इंटू ट्वेल्व हो गया थ्री इंटू एट हो गया ठीक है फोर इंटू सिक्स अब इसी का रिवर्स चलिए यानी कि सिक्स इंटू फोर एट इंटू थ्री ट्वेल्व इंटू टू ठीक है और ट्वेंटी फोर इंटू वन यानि कि इन दोनों को सब जगह को मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो उसका जो वैल्यू है वो ट्वेंटी फोर ही आएगा आएगा ना तो ये क्या बताना चाह रहा है यानी कि ये बता रहा है कि टू रो हो सकता है उसमें और ट्वेल्व एलिमेंट ट्वेल्व कॉलम भी हो सकता है या फिर एक रो रहेगा ट्वेंटी फोर आपका कॉलम रहेगा इस तरह से भी तो हो सकता है फोर उसमें रो है सिक्स कॉलम है समझ में आ रहा है ना एट उसमें क्या row है रो है थ्री कॉलम है तो उसका पॉसिबल जितने भी पॉसिबल ऑर्डर हैं वो इसी तरह के बन सकते हैं क्लियर समझ में आ गया अब इसी तरह से कह रहा है कि अगर थर्टीन एलिमेंट्स रहता तो क्या होता इसी क्वेश्चन में कह रहा है एलिमेंट्स रहता तो क्या होता है देखिए थर्टीन एक प्राइम नंबर है यानी कि वन के टेबल में आएगा और खुद थर्टीन के टेबल में आएगा तो इसका सिर्फ दो ऑर्डर बन सकता है आ गया समझ में वेरी वेरी इजी इसका दो ऑर्डर बन सकता है और इसका इतने सारे ऑर्डर बन सकते हैं आ गया समझ में अब थर्ड नंबर में सेम क्वेश्चन यही है कि अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर एटीन एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं और उसी के जैसा यहां पर बोल रहा है कि अगर फाइव एलिमेंट्स रहते हैं तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं तो चलिए इसको भी बना लेते हैं एटीन इधर लिख लेते हैं एटीन एलिमेंट्स तो वन इंटू एटीन हो जाएगा टू इंटू नाइन थ्री इंटू सिक्स और फिर सिक्स इंटू थ्री ठीक है नाइन इंटू टू एटीन इंटू वन इतने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं अगर एटीन एलिमेंट्स उसके अंदर हैं तो इसी तरह से कह रहा है अगर फाइव एलिमेंट्स रहेगा फाइव क्या एक प्राइम नंबर है तो फाइव अगर एलिमेंट्स है तो उसका सिर्फ दो ही ऑर्डर बन सकता है क्या क्या वन इंटू फाइव और फाइव इंटू वन क्लियर वेरी वेरी इजी समझ में आ गया अब देखिए फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए कंस्ट्रक्ट ए टू इंटू टू मैट्रिक्स देखिए टू इंटू टू मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ यानी कि उसमें टू रो है और टू कॉलम है इसका मतलब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका रो और कॉलम बराबर होता है जैसे थ्री इंटू थ्री फोर इंटू फोर वन इंटू वन ठीक है ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आता है तो हमें अपने से कंस्ट्रक्ट करना है टू इंटू तो टू मैट्रिक्स टाइप का जिसमें बोला गया है ए बराबर ये क्या है एक मैट्रिक्स का साइन है इसके अंदर जो देख रहे हैं ए आई जे यह क्या है एक एलिमेंट्स है और यह इंडिकेट कर रहा है कि जो आई और जे है आई क्या है रूह है जे क्या है कॉलम है? 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 है बहुत ईजी क्वेश्चन है बहुत ईजी है बनाएंगे तो समझ में आपको आ जाएगा बोल रहा है कि हुज एलिमेंट्स आर गिवेन बाई ये हमारा क्या है एक तरह से एलिमेंट्स हैं देखिए हम कैसे बनाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा फोर्थ नंबर में देखिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है जो कि टू इंटू टू टाइप्स का रहेगा तो हम स्मॉल लेटर में ए ए लिख लेंगे यहां पर हम जानते हैं कि वन वन होगा वन टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ठीक है फोर्थ में फर्स्ट में कह रहा है कि आपको एलिमेंट्स दिया जा रहा है ए आई जी यहां देख लीजिए सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं ठीक है ये क्या है एलिमेंट्स है घबराना बिल्कुल भी नहीं है हमें जो है अगर ए वन वन ए वन टू ए ट्वेंटी वन ए ट्वेंटी टू का वैल्यू अगर मिल जाए तो हम आराम से उस पर पुट कर देंगे और हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा टू इंटू टू मैट्रिक्स का तो मेन चैलेंज क्या है कि इनका वैल्यूज निकालना ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ए से कैसे होगा देखिए यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि आई के बराबर वन है और जे के जगह पर भी वन है ठीक है समझ में आया आई जे हमने आपको बताया भी था कि ये रो और कॉलम को इंडिकेट कर रहा है ओके तो जहाँ जहाँ आई रहेगा वहाँ पर वन रखेंगे और जे के जगह पर भी वन रखेंगे और सिंपल कैलकुलेशन कर देना है टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा ना होगा कि नहीं तो देखिए हमने ए वन वन का वैल्यू निकाल लिया अब हम वहां पर जाकर के टू रख सकते हैं इसी तरह से ए वन टू का वैल्यू निकाल लेते हैं आई के जगह पर वन रखना है जे के जगह पर टू रखना है ठीक है थ्री हो जाएगा ना थ्री का स्क्वायर करिएगा तो नाइन हो जाएगा थ्री थ्री जो नाइन होता है कि नहीं तो देखिए नाइन बाई टू आ गया अब बारी है ए ट्वेंटी वन की तो आई के जगह पर टू रखना है जे के जगह पर वन इसका भी वैल्यू वही आएगा थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन हो जाएगा क्लियर अब लास्ट आता है ए ट्वेंटी टू इसमें आई के जगह पर भी टू जे के जगह पर भी टू ये फोर हो जाएगा ना फोर का स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन हो जाएगा एट बार में देखिए हमने चारों का वैल्यूज़ निकाल लिया अब कंस्ट्रक्ट कर देते हैं ए वन वन का जो वैल्यूज़ है वो टू है फिर उसके बाद नाइन बाई टू और फिर ट्वेंटी वन का भी नाइन बाई टू और यहां एट यही हमारा टू इंटू टू टाइप का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखिए यहां पर ए आई जे के बराबर आई बाई जे है ये क्वेश्चन क्या करना है रफ़ में बना लीजिए जो आपको बनाना है वन 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 टू टू वन ट्वेंटी टू तो सबसे पहले वन वन का निकालते हैं तो आई के जगह पर वन जे के जगह पर वन वन बाई वन का मतलब वन अब ए वन टू का निकाला जाए बहुत ही सिंपल है दोस्तों वन बाई टू हो गया ए ट्वेंटी वन का टू बाई वन हो गया जिसको हम लोग टू कह सकते हैं इधर भी यूज कर लेते हैं जगह को ए ट्वेंटी टू का वैल्यू यानी कि टू बाई वन टू बाई टू सॉरी टू बाई टू इसका मतलब वन तो हमें क्या बनाना था मैट्रिक्स बनाना था ना तो ए वन वन का वैल्यू है 1, वन ए वन टू का वैल्यू वन बाई टू फिर उसके बाद टू और इधर वन देखिए कंस्ट्रक्ट हमने कर लिया यही हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर समझ में आ गया अब थर्ड नंबर में ये रहा क्वेश्चन इसको भी बना लेते हैं यही है हमें क्या निकालना है मालूम ही है A11 का वैल्यू निकाला जाए आई के जगह पर वन जे के जगह पर भी वन तो रखा जाए वन और टू इन टू है यानी कि बीच में क्या है मल्टीप्लाई जे के जगह पर वन और उसका होल स्क्वायर बहुत ही आराम से यानी कि टू वन जा टू टू प्लस वन थ्री हो जाएगा और थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन तो नाइन बाई टू हो गया अब इधर ट्वेल्व का वैल्यू निकालते हैं तो आई के जगह पर वन जे के जगह पर टू यानी कि ये देखिए जे के जगह पर हम लोग टू रख दिए सिंपल कैलकुलेट करते हैं टू टू जा फोर फोर प्लस वन फाइव फाइव का स्क्वायर करेंगे तो ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई टू क्लियर ट्वेंटी वन है ये तो i के जगह पर टू जे यहां पर है ना जान रहे ना समझ रहे ना जे के जगह पर वन रखना है इस पर देखिए टू वन जा टू टू प्लस टू फोर फोर का स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटीन हो जाएगा और सिक्सटीन बाई टू का मतलब एट टू एट जा सिक्सटीन आ गया समझ में यहां लिख देते हैं एट अब लास्ट है इधर ए ट्वेंटी टू का वैल्यू निकालना है ध्यान दीजिए आई के जगह पर टू जे के जगह पर भी टू 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 जा फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स एटीन हो गया क्लियर मैट्रिक्स बना दीजिए टू इंटू टू टाइप का ए वन वन का वैल्यू है नाइन बाई टू वन टू का वैल्यू है ट्वेंटी फाइव बाई टू क्लियर ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन का वैल्यू है एट और इसका है एटीन देखिए बन गया ना यही हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर कंप्लीटेड हो जाता है अब देखिए थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा थोड़ा नहीं ज़्यादा मेहनत करना होगा कंस्ट्रक्ट ए थ्री इंटू फोर मैट्रिक्स यानी कि इस तरह का मैट्रिक्स हमें तैयार करना है ठीक है तो यहाँ पर दिया गया है डेटा चलिए बना लेते हैं ये आसान क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है बनाते हैं थ्री इंटू फोर यानी कि इधर चार रहेगा हा, हाइट कितना रहेगा हा? इस तरह से समझ रहे ना ये यानी कि वन 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 टू वन थ्री वन फोर इसी तरह से इधर टू वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री इतना सारा वैल्यू निकालना होगा दोस्तों ठीक है तो और जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्या है मोड है मोड क्या होता है बताएंगे मोड है क्या होता है जब सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आपको आएगा चलिए इसको बना लेते हैं तो हमें सबसे पहले ए वन वन का वैल्यूज निकालना है ठीक है तो जहां पर आई मिलेगा वहां पर वन रखेंगे जे के जगह पर भी वन रख देंगे तो इस तरह से चलिए आई के जगह पर हम वन रखेंगे और जे के जगह पर भी वन रख दिए Clear, समझ में आया बनाते चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा तो माइनस थ्री प्लस वन तो हम लोग इसको घटाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है होता है ना तो जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस टू हो जाएगा क्योंकि माइनस जो है वो ज्यादा है इसीलिए वो जीत जाएगा माइनस टू हो जाएगा मोड का क्या महत्व होता है हम आपको समझाते हैं देखिए अगर मोड जो है मोड के अंदर माइनस में कोई भी नंबर है तो मोड जब हटाएंगे तो वो जो माइनस में नंबर है वो खत्म हो जाएगा वो पॉजिटिव में बदल जाएगा समझ में आया नहीं आया समझ में यानी कि मोड जब हटेगा इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई है ठीक है मल्टीप्लाई है तो मोड जब हटाएंगे तो ये माइनस भी खत्म हो जाएगा ये है नियम तो आप सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर प्लस रहता तब क्या होता तो भी वो प्लस में ही रहता है यानी कि मोड को हटाते उसका आउटपुट रिजल्ट क्या आता प्लस में ही आता आगे समझ में कंफ्यूजन नहीं होना है जरा सा भी ठीक है क्लियर अब इसको यहां से टू और टू को कैंसिल करिए इधर वन आ गया क्लियर अब हम ए वन टू का वैल्यूज निकालेंगे देखिए यही ना क्वेश्चन है I के जगह पर वन और जे के जगह पर ये मोड है जे के जगह पर टू क्लियर सॉल्व करते चलिए देखिए थ्री वन जा थ्री हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू क्या हो जाएगा जब दोनों घटेगा तो माइनस तो पहली बार जीत जाएगा थ्री में से टू घटाएंगे तो वन होगा ना माइनस जीत जाएगा और देखिए मोड जैसे ही हटेगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा कितना आ गया वन बाई टू फाइनल वन थ्री में चलते हैं आई आई का जो वैल्यू है वो वन है और जे का वैल्यू थ्री क्लियर समझ में आ रहा है ना यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं देखिए थ्री जा थ्री प्लस थ्री यानी कि माइनस थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा ये पूरा कहानी खत्म जीरो हो जाएगा दोस्तों और जीरो से कोई भी आप मल्टीप्लाई करिएगा तो वो जीरो ही हो जाएगा क्लियर अब हम लोग ए वन फोर की ओर चलेंगे यही को, यही क्वेश्चन है ना घबराना बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही आसान है माइनस थ्री पहले ही से दिया हुआ था क्वेश्चन में और आई के जगह पर वन रखेंगे जे के जगह पर फोर सॉल्व करते हैं देखिए माइनस थ्री हो जाएगा ना ये प्लस फोर तो देखिए अभी माइनस कम हो गया है प्लस ज्यादा यहाँ पर तो फोर में से थ्री को घटाएंगे तो वन ही होगा लेकिन इस बार प्लस वन हो जाएगा क्योंकि प्लस ज्यादा है इसीलिए तो हमने क्या बताया था कि मोड से अगर आप बाहर निकालेंगे प्लस को भी तो वो प्लस ही में रहेगा यानी कि प्लस वन समझ में आ गया इनको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो वन बाई टू आएगा क्लियर अब हम लोग ट्रैक चेंज करेंगे यानी कि यहां तक हमारा काम हो चुका बारी है ट्वेंटी वन से ठीक है वन बाई टू तो पहले से दिया हुआ था माइनस थ्री भी पहले से था आई के जगह पर टू है और जे के जगह पर वन है क्लियर यहां पर सिक्स हो जाएगा माइनस सिक्स हो जाएगा ध्यान दीजिए माइनस सिक्स प्लस वन क्या हो जाएगा यानी कि माइनस फाइव हो जाएगा क्योंकि माइनस ज्यादा है इसीलिए सिक्स में से वन को घटाएगा तो फाइव होगा ना माइनस ज्यादा इसलिए माइनस जीत तो लिखा जाएगा माइनस अब मोड से जब बाहर निकालेंगे तो ये फाइव हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव बाई टू क्लियर समझ में आ गया एवेंटी वन तो निकल गया ए ट्वेंटी टू की बारी है क्वेश्चन हमारा यही है पहले तो वन बाई टू लिखाएगा और मोड के अंदर -3 तो लिखाएगा i के जगह पर j के जगह पर 22 लिखना है देखिए -6 हो जाएगा ना इनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो -6 plus 2 क्या हो जाएगा -4 बहुत सिंपल कैलकुलेशन है मोड से जब बाहर निकालेंगे तो plus 4 हो जाएगा ये और 4 into 1 by 2 क्या हो जाएगा 4 by 2 इनको आप डिवाइड कर देंगे दो बार में आ गया 23 की 2 वन बाई टू तो है ही माइनस थ्री भी है अब आई के जगह पर आप टू रखेंगे जे के जगह पर भी थ्री ये हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस सिक्स प्लस थ्री कितना होता है कैलकुलेट कर लीजिए माइनस थ्री हो जाएगा ठीक है बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन मोड से जब बाहर निकालेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा अब ट्वेंटी फोर की बारी वन बाई टू तो है ही माइनस थ्री है ही आई के जगह पर टू और जे के जगह पर फोर कैलकुलेट करते हैं माइनस सिक्स प्लस फोर यानी कि घटेगा तो माइनस टू हो जाएगा मोड से जब बाहर निकालेंगे तो टू हो जाएगा टू बाई टू का मतलब वन क्लियर समझ में आ गया ए ट्वेंटी फोर तक कंप्लीटेड अब थर्टी वन से चालू करेंगे क्वेश्चन क्या है वही है वन बाई टू है माइनस थ्री इंटू आई आई के जगह पर थ्री जे के जगह पर वन ये हो जाएगा माइनस नाइन माइनस नाइन प्लस वन यानी कि नाइन में से वन को घटाएंगे तो एट माइनस ज्यादा है जित गया मोड से जब बाहर निकालेंगे तो एट हो जाएगा ना एट बाई टू का मतलब फोर हो गया टू फोर जाए एट क्लियर फोर इज ए मेन मेन आंसर अब इधर थर्टी टू चलते हैं थर्टी टू I के जगह पर थ्री J के जगह पर टू सॉल्व किया जाए ये माइनस नाइन हो जाएगा माइनस नाइन प्लस टू कितना हो जाएगा माइनस सेवन ठीक है मोड से जब बाहर निकालेंगे माइनस सेवन को तो प्लस सेवन हो जाएगा मेन आंसर एक लास्ट थर्टी थ्री नहीं नहीं थर्टी थ्री लास्ट नहीं है थर्टी फोर होगा ना लास्ट क्लियर समझ में आ रहा ना माइनस थ्री आई है ये जे है ये कितना हो जाएगा माइनस नाइन हो जाएगा प्लस थ्री यानी कि कैलकुलेट कर लेंगे तो माइनस सिक्स हो जाएगा नाइन में से थ्री को घटेगा तो सिक्स होगा ना माइनस ज्यादा है तो जीत गया अब ये मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस सिक्स हो जाएगा सिक्स बाई टू का मतलब कितना होता है टू थ्री जा सिक्स हो गया सेवन में आ गया थर्टी फोर आई की जगह पर थ्री जे के जगह पर फोर देखिए ये कितना हो जाएगा माइनस नाइन माइनस नाइन प्लस फोर कितना हो जाएगा समझ में आ रहा है अब यहां से फाइव बाई टू क्लियर वेरी वेरी इजी अब हम लोग को मैट्रिक्स बना देना है चलिए हम लोग शुरू करते हैं ए वन वन से जो जो वैल्यूज है थ्री इंटू फोर टाइप का मैट्रिक्स बनाना है ना ए वन वन का वैल्यूज निकला था वन सो तो हटाते हैं ए वन टू का वन बाई टू फिर उसके बाद जीरो वन बाय टू जीरो और फिर वन बाय टू लिख लेंगे क्लियर अब ट्वेंटी वन से चलेंगे ट्वेंटी वन का वैल्यू है फाइव बाई टू 22 टू का वैल्यू है टू फिर तो उसके बाद थ्री बाई टू वन टू थ्री बाई टू वन ना अब थर्टी वन का देख लेते हैं इधर है फोर सेवन बाई टू थ्री फोर सेवन बाई टू थ्री और थर्टी फोर का है फाइव बाई टू यही है समझ में आया ये कैसा मैट्रिक्स है थ्री इंटू फोर टाइप का मैट्रिक्स है क्लियर यही हमको बनाना था थोड़ा बड़ा करके आप बना लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर ये वाला आप क्वेश्चन है हम लोग को मालूम ही है क्या क्या वैल्यू निकालना है दोस्तों ए वन वन का चलिए फटाक से निकालते हैं ठीक है तो आई के जगह पर वन रख देंगे जे के जगह पर वन टू वन जा टू टू में से वन को घटाएंगे तो वन ए वन टू का वैल्यू निकालते हैं टू इंटू वन माइनस टू देखिए टू वन जा टू टू में से टू को घटाएंगे तो जीरो टू इंटू वन माइनस थ्री टू में से माइनस थ्री को घटाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा ना वन जा टू टू में से माइनस फोर को घटाएंगे तो माइनस टू हो जाएगा अब ट्रैक चेंज करेंगे वन की टू इंटू टू माइनस वन यानी कि फोर में से वन को घटाएंगे तो थ्री टू इंटू टू माइनस टू फोर में से टू को घटाएंगे तो फोर में से टू को घटाएंगे तो टू ये ट्वेंटी थ्री है टू इंटू टू माइनस थ्री फोर में से थ्री को घटाएंगे तो वन अब ट्वेंटी फोर की ओर चला जाए टू इंटू टू माइनस फोर फोर में से फोर को घटाएंगे तो जीरो ठीक है अब हम लोग थर्टी वन की ओर चलेंगे थर्टी वन क्वेश्चन यही है टू इंटू थ्री माइनस समझ रहे ना आई की जगह पर थ्री जे की जगह पर वन ये कितना हो गया सिक्स में से वन को घटाएंगे तो फाइव टू इंटू थ्री माइनस टू सिक्स में से टू को घटाएंगे तो फोर टू इंटू थ्री माइनस थ्री सिक्स में से थ्री को घटाएंगे तो थ्री थर्टी फोर सिक्स में से फोर को घटाएंगे तो क्लियर चलिए मैट्रिक्स बना दीजिए देखिए शुरू करते हैं वन जीरो माइनस वन माइनस टू ठीक है ये माइनस टू है याद रखिएगा फिर उसके बाद है थ्री टू वन जीरो अब इधर है फाइव फोर थ्री टू एकदम उल्टा चल रहा है क्लियर समझ में आ गया यही हमको मैट्रिक्स बनाना था सिक्स नंबर में देखिए बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द इक्वेशंस यहां पर हमें एक्स वाई जेड का वैल्यूज निकालना है कैसे निकलता है देखिए जैसे ये क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है टू इंटू टू मैट्रिक्स है ना ये ये भी टू इंटू टू मैट्रिक्स है ठीक है याद रखिए कभी भी आपस में मैट्रिक्स तभी बराबर होता है जब सेम ऑर्डर का रहेगा तब अगर यहाँ टू इंटू टू टाइप का मैट्रिक्स है तो यहां पर भी होना चाहिए टू इंटू टू टाइप का अगर ये फोर इंटू फोर या फिर थ्री इंटू थ्री रहता तो यहाँ पर भी थ्री इंटू थ्री होना चाहिए तभी इसके बीच में बराबर का चिन्ह होता है आ गया समझ में तो कंपेयर करेंगे जैसे देखिए ए वन वन के जो वैल्यू है यहाँ पर फोर तो वहां पर कंपेयर करेंगे कि ए वन वन का वैल्यू कितना है वाई है तो इससे हमको पता लगता है कि वाई के बराबर क्या है फोर है जेड के बराबर थ्री है एक्स के बराबर वन है और फाइव के बराबर फाइव तो होता ही है समझ में आया तो ये चीज होता ही होता है अगर बीच में बराबर आ गया तो समझ लीजिए तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है अब फिर यहां से आप देखिए टू के बराबर इधर टू है ना देख रहे हैं ना इस तरह से तो ये हमारा टू इंटी टू टाइप का मैट्रिक्स है लेकिन ये इस ये क्या है ये स्क्वायर नहीं है लेकिन ये जितना जितना का है जितना ऑर्डर का ये है उतना ही ऑर्डर का ये भी है आगे समझ में तो इससे पता चला आपको कि जितना ऑर्डर का ये रहेगा उतना ही ऑर्डर का ये भी रहेगा ये हमारा कितने ऑर्डर का है यह हमारा थ्री रो है और एक कॉलम है यानी कि थ्री इंटू वन टैप का ये भी थ्री इंटू वन चलिए इसको बना लेते हैं देखिए दोस्तों यहां से डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा फोर और जेड का वैल्यू थ्री <coughs> हो गया यही तो निकालना था एक्स वाई जेड कहीं तो वैल्यू निकालना था जो कि हमने निकाल दिया बहुत ही आसान सा था अब सेकेंड में देखिए उसमें कह रहा है x प्लस वाई है ना उसके बराबर क्या होगा ध्यान दीजिए कंपेयर करिए x प्लस वाई के बराबर सिक्स ठीक है और फिर फाइव प्लस जेड के बराबर फाइव फाइव प्लस जेड के बराबर फाइव ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा एक्स वाई के बराबर है एट बस और टू बराबर टू तो होता ही है अब इसी से हम लोग को वैल्यूज निकालना है देखिए z का वैल्यूज तो आराम से निकल जाएगा कैसे मात्र एक ही वेरिएबल है इसमें इसीलिए z को जब अकेला करिएगा तो पहले से यहां पर फाइव है लिख दिए ये फाइव उधर जाएगा ठीक है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना तो इसको जब घटाएगा फाइव में से फाइव तो जीरो हो गया तो इसका मतलब जेड का वैल्यू कितना आ गया जीरो आ गया क्लियर अब बात आता है एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा देखिए यहां पर दो टर्म है दो टर्म तो है ही साथ में दो वेरिएबल है ये क्या है दो वेरिएबल है ठीक है एक्स वाई है तो इतना आसान नहीं होगा आपने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ठीक है सब्सटीट्यूशन मैथड से भी आप निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मैथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से भी निकाल सकते हैं हमको सबसे अच्छा लगता है एलिमिनेशन मैथड या फिर सब्सटीट्यूशन मैथड तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों इक्वेशन को आप वन भी मान सकते हैं इधर टू भी मान सकते हैं या डायरेक्ट सॉल्व करिए ना आप लोग को एक्स वाई का वैल्यू निकालने से मतलब है ठीक है तो हम क्या करते हैं कि ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन से ऐसा करते हैं कि एक टेम्प्रोरी वैल्यू निकाल लेते हैं देखिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू है सिक्स है ना तो x को हम अकेला करते हैं हम चाहें तो y का भी वैल्यू एक टेम्प्रोरी निकाल सकते थे तो चलिए हम x का निकालते हैं x को जब अकेला करेंगे तो इधर क्या है पहले से सिक्स है ये प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा ये x का वैल्यू आपको एक टेम्प्रोरी मिला है क्या है ये टेम्प्रोरी है ये x का वैल्यू आपको भूल से भी फर्स्ट इक्वेशन में पुट नहीं करना है जहाँ से आप ये वैल्यूज निकाले हैं वहाँ पर हम पुट भूल से भी नहीं करेंगे कहां पर करेंगे जो हमारा दूसरा नंबर इक्वेशन है वहां पर पुट करेंगे ठीक है तो चलिए फिर दूसरा नंबर इक्वेशन जो है हमारा क्या है एक्स वाई के बराबर एट है है ना तो x का वैल्यू सिक्स माइनस वाई है ना तो x का वैल्यू जो भी है सिक्स माइनस वाई ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं हम लोग क्योंकि यहां पर दो टर्म है ये बताता है कि वाई जो है वो दोनों में मल्टीप्लाई होगा ठीक है अगर हम ब्रैकेट नहीं लिखते तो ऐसा लगता है कि वाई सिर्फ इसमें ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट आप देना मत भूलिएगा ब्रैकेट देना अनिवार्य है समझ में आए अगर आपको मदद देना ही देना अगर दो या दो से ज्यादा टर्म रहता है तब अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो सिक्स वाई हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एट ठीक है थोड़ा सा देखिए लेंदी जैसा होने लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं बनाना तो पड़ेगा ही अब इसको अरेंज कर लीजिए अरेंज कैसे होता है जिसका ज़्यादा पावर रहता है उसको पहले लिखा जाता है फिर इसको लिखेंगे प्लस सिक्स वाई इसको इधर खींच लीजिए माइनस एट हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो अब हम लोग पढ़े हैं फैक्ट्राइजेशन मैथड याद है आपको ये क्या है एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया ना एक तरह से तो आप ये माइनस को हटा दीजिए कैसे हटाएंगे इस माइनस को बाहर निकाल देंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे यहां पर क्या होगा वाई स्क्वायर यहां हम क्या रखें माइनस ही रखना होगा ताकि फिर से हम माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाए अब ये माइनस को कहां हम भेजें ये माइनस को हमको उधर इक्वल टू के उस तरफ भेजना होगा जीरो में जा करके ये समा जाएगा जीरो में जा करके ये समा जाएगा जीरो जो है ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है उसी में जा करके ये समा जाएगा समझ रहे मल्टीप्लाई है जब उधर जाएगा तो जीरो में चल जाएगा हवा खाने ये हमारा फ्रेश आ गया ठीक है अब इसी इक्वेशन से हमें क्या करना है वाई का वैल्यू निकालना है अब हम लोग जानते हैं कि वाई का वैल्यू दो दो निकलेगा क्यों निकलेगा दो दो क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल का पावर कितना है टू है? है ना पावर टू तो जानते हैं कि जितना पावर रहता है जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमिल का उतना ही आपका वैल्यूज निकलता है यानी कि इसमें स्क्वायर है ना टू है तो इसका मतलब दो दो निकलेगा अगर तीन रहता तो तीन तीन वैल्यूज निकलता चार रहता तो चार चार वैल्यूज निकलता वाई का ठीक है तो कैसे हम लोग निकालेंगे जैसे हम लोग क्लास टेंथ में पढ़े हैं ना फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म को यहाँ पर साइड में देखिए ट्रिक बता रहे हैं इसको हम लोग को स्प्लिट करना है स्प्लिट यानी कि फोर टर्म्स में लाना है ठीक है तो हम आपको बताते हैं कैसे ये फैक्ट्राइजेशन मैथड हम लोग यूज कर रहे हैं दोस्तों ठीक है फर्स्ट थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एट वाई स्क्वायर ठीक है इसके बीच में जो है ना सिक्स वाई जो देख रहे हैं आप माइनस सिक्स वाई जो भी देख रहे हैं इसको ऐसा स्प्लिट करना है ध्यान दीजिए ऐसा स्प्लिट करना है दो टर्म में दो टर्म में ऐसा स्प्लिट करना है जिनको जोड़ने घटाने के बाद सिक्स वाई तो आना ही चाहिए यानी कि वही माइनस सिक्स वाई आना चाहिए और ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एट वाई स्क्वायर के बराबर आना चाहिए तो इसका ट्रिक यही है दोस्तों बहुत ही सिंपल है इनको और इनको मल्टीप्लाई करिए कितना आया एट वाई स्क्वायर तो इसका जो नंबर है जो एट है उसको आप खींच लीजिए और एट को आप क्या कर दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन टू से इधर करेंगे फोर ठीक है अब इसी में आपको राह तलाश करना है टू 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 में ही राह तलाश करना है कि हम सिक्स कैसे लाएं तो देखिए ये टू टू जब फोर हो गया फोर में टू को ऐड कर दीजिएगा तो सिक्स आ जाएगा ना फोर में टू को ऐड कर दीजिएगा तो सिक्स आ जाएगा कि नहीं तो ऐसा ही करना है आपको ठीक है अब यहां पर आपको माइनस सिक्स लाना है याद रखिए तो उसी तरह का बैलेंस करना होगा क्योंकि देखिए फोर और टू को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एट भी तो आता है तो हमने बताया दोनों जगह सर्थ को मानना पड़ेगा तभी वो कहलाएगा तो यहां हम कैसे करेंगे माइनस फोर वाई कर देंगे माइनस टू वाई कर देंगे क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस सिक्स वाई आएगा और ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एट वाई स्क्वायर आ जाएगा देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा फोर इंटू टू एट हो जाएगा वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा समझ में आया यानी कि माइनस सिक्स वाई की जगह पर हम ये दो टर्म लिखे हैं प्लस एट अब देखिए इनको हम पेयर में बांटेंगे बांट दिए इन दोनों में जो चीज़ है जो दोनों में शामिल है उसको हम बाहर कॉमन निकालेंगे तो y y दोनों में शामिल है अब यहाँ हम क्या रखें ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए यहाँ पर y रखना होगा यहाँ पर फोर रखना होगा अब हमको बंद गया यानी कि जो चीज़ यहाँ पर है वो चीज़ आने वाले टाइम में यानी कि ब्रैकेट के अंदर भी वही चीज़ होगा ही होगा पक्का गारंटी है होगा ही होगा अब इसको आप कैसे बैलेंसड करिएगा ये सीख लीजिए देखिए आपने यहां वाई रखा है तो वाई के आगे जो कोई है ये पूरा नंबर माइनस टू बस सिंपल यहां ऐसे रख दीजिए आपको विश्वास नहीं है अगर आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही चीज आ जाएगा समझ में आ गया अब देखिए ये क्या होगा ये चीज यानी कि y माइनस टू एक जगह और y माइनस फोर एक जगह अब इनके बीच में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा मल्टीप्लाई का अब एक बार y माइनस टू के बराबर जीरो हो जाएगा और दूसरा बार y माइनस फोर के बराबर जीरो हो जाएगा और यहां से आप y का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं देखिए कैसे y माइनस टू के बराबर जीरो और इधर y माइनस फोर के बराबर जीरो y को जब आप अकेला करिएगा तो माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस टू उधर हो जाएगा ठीक है आगे समझ में y का देखिए यहां पर दो दो वैल्यूज निकल गया ना तो इसका मतलब यहां पर दो दो वैल्यूज आएगा सब जगह एक्स का भी आएगा जेड का भी आएगा चलिए बताते हैं अब यहां आप ध्यान दीजिएगा लिखेंगे वेन जब हम y का वैल्यू टू ले रहे हैं तो उस समय एक्स का वैल्यू अलग आएगा ठीक है ध्यान दीजिएगा और जब हम y का वैल्यू फोर ले रहे हैं तो उस समय एक्स का वैल्यू अलग आएगा तो वो वैल्यू जो है आप कहीं पर भी रखिए यहां रखिए चाहे आप यहां रखिए कोई भी इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड जिसमें भी रखिए जहां पर एक्स और वाई है वहां रखिएगा तो आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों चलिए हम ये इस पर रख देते हैं कह रहा है x इक्वल टू सिक्स माइनस वाई कह रहा है ना तो यहां पर भी होगा x इक्वल टू सिक्स माइनस वाई यहां हमको वाई का वैल्यू कितना रखना है दो रखना है घटाएंगे तो चार हो जाएगा में जब हमने y का वैल्यू टू रखा तो हमको x का वैल्यू फोर मिला और y का वैल्यू जब फोर रखा तो x का वैल्यू टू मिला क्लियर समझ में आ गया तो यहां से देखिए लिखना हम शुरू करते हैं x का वैल्यू फोर मिल रहा है उस केस में जहां पर y का वैल्यू क्या है टू आयोजन में और जेड का वैल्यू क्या था दोस्तों शुरू में हम लोग रहे थे ना जेड का वैल्यू जीरो तो जेड का तो वैल्यू एक ही है तो क्या रखेंगे वही चीज़ रखेंगे यानी कि जीरो ही रखेंगे ठीक है अगर मान लीजिए z का वैल्यू टू आ जाता या फाइव आ जाता तो क्या रखते वही चीज़ रखते यानी कि टू या तो फिर फाइव रखते जो आता वही हम रखते यहां पर भी ठीक है और ये जो केस है यानी कि x का जब वैल्यू टू आया है तो उस समय देखना है कि y का वैल्यू क्या था फोर था ना अब जेड का वैल्यू जीरो ही रहेगा, तो इसका मतलब दो आंसर इसका आएगा ठीक है क्लियर समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं अब यहां देखिए यह भी क्वेश्चन है ये आसान क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन यहां नहीं लिखते दोस्तों यहीं से देख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर नाइन है लिखते जाते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर नाइन इधर फाइव वाई प्लस जेड के बराबर सेवन वही एक्स वाई जेड का वैल्यूज निकालना है देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपको कुछ नजर आ रहा है आप जो है एक्स प्लस जेड देखिए यहां पर एक्स प्लस जेड है ना देखिए ध्यान दीजिए एक्स प्लस जेड उसका वैल्यू आप क्या रख सकते हैं फाइव रख सकते हैं कि नहीं अगर रख दीजिएगा एक्स प्लस जेड का वैल्यू फाइव यहाँ पर रख दीजिएगा तो आपको वाई का वैल्यू मिल जाएगा आसानी से या तो फिर वाई प्लस जेड दिख रहे हैं वाई प्लस जेड का अगर वैल्यू हम सेवन यहाँ रख देंगे तो हमको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा कितना आसान है चलिए रखते हैं कोई भी किसी तरह से भी रखिए हमको वैल्यू सिर्फ चाहिए ठीक है तो चलिए हम ये वाला वैल्यू रख देते हैं सबसे अच्छा रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू इधर है नाइन उस इक्वेशन को खींच लिए और जो वाई प्लस जेड गिवन दिया हुआ है सेवन ये पूरा इकट्ठा वैल्यू हम यहां पर रख दिए समझ में आया कितना आसान है वाई प्लस जेड का वैल्यू यहां पर सेवन हम रख दिए तो इसका मतलब हमको यहां एक्स का वैल्यू मिलेगा ये प्लस सेवन को उधर भेजेंगे तो माइनस सेवन हो जाएगा घटाएंगे तो टू तो एक्स का वैल्यू देखिए यहां मिल गया आसानी से मिल गया ठीक है अब आप यहां पर एक्स का वैल्यू रख दीजिएगा तो जेड का यहां से वैल्यू मिल जाएगा चलिए रखते हैं बनाते चलते हैं जैसे जैसे निकलते जा रहा बनाते चलते हैं तो x का वैल्यू अभी हम लोग को z को जब अकेला करेंगे तो ये टू को उधर भेजेंगे तो माइनस टू हो जाएगा ठीक है देखिए z का भी मिल गया अब लास्ट बच रहा है y का वैल्यू तो इधर ही निकाल देते हैं कहीं बहुत ही आसान है देखिए यहां पर रखेंगे तो हमको मिल जाएगा वाई प्लस जेड का वैल्यू है सेवन है ना तो वाई का वैल्यू हमको नहीं मालूम है लेकिन जेड का अभी अभी पता चला है थ्री ये प्लस थ्री को उधर भेजेंगे तो माइनस थ्री इसमें से घटा दीजिए फोर समझ में आया कोई दिक्कत नहीं ना है एक्स वाई जेड का सामने ही वैल्यूज़ दिख रहा है यही तो चाहिए था हमको चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर भी वैसा ही है यहां पर ए बी सी डी का वैल्यूज निकालना है यहां जो दिया गया है वो क्या है एक स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स है ये भी। ये भी भी ए माइनस बी के बराबर क्या है माइनस वन ये भी वैसे ही क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही आसान है चलिए लिख लेते हैं सेवन नंबर यहीं से डायरेक्ट हम लोग लिखते चलते हैं इक्वेशन बनाते चलते हैं ठीक है ए माइनस बी के जगह पर क्या है यहां माइनस वन है कंफ्यूज नहीं होना है जरा सा भी नहीं ए प्लस सी के जगह पर है फाइव इसके जगह पर है जीरो चलिए ये हमने इक्वेशन क्वेश्चन लिया है जैसे मेरा मर्जी है वैसे हम बना सकते हैं बहुत ही आसान है तो ऐसा करिए कि ये जो a माइनस बी इक्वल टू माइनस वन है यहां से आप ए या तो फिर बी का वैल्यूज निकाल लीजिए ठीक है शुरू करते हैं यहां से तो देखिए ए माइनस बी की जगह पर क्या है माइनस वन है तो हम सोच रहे हैं कि ए का एक टेम्प्रोरी वैल्यू निकाल लिया जाए तो माइनस बी को उधर भेजेंगे तो प्लस बी हो गया तो देखिए ये क्या है a का एक टेम्प्रोरी वैल्यू है हम ये वैल्यू को वहां रखेंगे जहां पर कहीं ना कहीं बी हो जैसे देखिए यहाँ नहीं रखना है जहां से आपने निकाला है वहां पर नहीं रखना है ठीक है उसके अलावा देखिए तीनों में से कहाँ रखेंगे अगर यहाँ रख देंगे ध्यान दीजिए अगर यहां रख देंगे तो यहां पर क्या है सी है तो सी आएगा फिर बी आ जाएगा तो कुछ ना कुछ फिर बच जाएगा यानी कि किसी का वैल्यू ही नहीं निकलेगा गड़बड़ हो जाएगा तो इस पर हम नहीं रखेंगे हम कहाँ रख देंगे इस पर रख देंगे क्योंकि इसके अंदर बी है ध्यान दीजिए ए का जो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस वन प्लस बी अगर आप सोचिए ना जरा यहाँ रख दीजिएगा तो बी यहाँ पर भी है और आने वाले टाइम में भी बी यहाँ रहेगा तो बी बी में कुछ ना कुछ होगा एक ही टर्म ना रहेगा तो उससे आपका वी का वैल्यू निकल जाएगा लेकिन यहाँ आपको नहीं रखना है ऐसे भी इसमें ए भी नहीं है समझ में आ गया तो हम ये थर्ड नंबर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो थर्ड नंबर वाला जो इक्वेशन है ना उसको लिख लेते हैं टू तो ए माइनस बी के बराबर जीरो तो ए का वैल्यू ये रहा तो हम आपको बताया थे ब्रैकेट में लिखना है इसलिए क्योंकि दो टर्म है मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस टू प्लस टू बी माइनस बी अब देखिए मात्र एक टर्म है ना बी तो इसका मतलब बी का वैल्यू निकलेगा सिर्फ अब ये देखिए इसमें से घटाएंगे टू बी में से बी को घटाएंगे तो बी ना होगा माइनस टू को उधर भेज देंगे नदिया के उस तरफ तो ये उधर जाने के बाद प्लस टू में हो जाएगा कितना आसानी से देखिए फटाक से आंसर भी निकल गया तो बी का वैल्यू निकला ना अब ये बी का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो ए का ही वैल्यू निकल जाएगा चलिए रख ही देते हैं तो देखिए ए का वैल्यू क्या था माइनस वन प्लस बी था।, था ना बी का वैल्यू टू रख दीजिए घटाइए टू में से वन को घटाएंगे तो वन होगा प्लस ज्यादा है जीत गया तो देखिए ए और बी का भी वैल्यू निकल गया अब हमको सी और डी का निकालना है तो हम ऐसा जगह रखेंगे जहां पर देखिए ये जगह सबसे अच्छा है यहां से आपको सी का मिल जाएगा क्योंकि आपको ए का भी तुरंत वैल्यू मिला है तो इसका इक्वेशन ले, ले लेते हैं सेकेंड टू ए प्लस सी इक्वल टू फाइव ए का वैल्यू वन है टू वन या टू उधर भेज देंगे टू हो जाएगा देखिए सी का भी निकल गया अब डी का निकलना है तो यहां इस इक्वेशन से मिल जाएगा क्योंकि सी का भी आपको तुरंत वैल्यू मिला है तो ये जो इक्वेशन है थ्री तो नाइन हो जाएगा ना समझ लीजिए उधर भेज ही दिए हैं तो इसको उधर भेजिएगा तो माइनस नाइन हो जाएगा डी का वैल्यू इधर घटाएंगे नाइन में से थ्री सिक्स हो जाएगा ना माइनस जाता है जीत गया तो देखिए यहां पर ए बी सी डी का वैल्यू सामने ही दिख रहा है तो ये था इतना आसान अगला देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दिमाग वाला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है एट नंबर में ए बराबर ये देखिए मैट्रिक्स का साइन है क्या है मैट्रिक्स का साइन और इसके अंदर क्या है एलिमेंट्स है हमने बताया था ना आपको तो ए आई जे क्या है एलिमेंट्स है आई इंडिकेट करता है रो को जे इंडिकेट करता है कॉलम को इसी तरह से यहां पर देखिए ये क्या है रो और कॉलम यहां दिया गया है एम यहां एन है ध्यान दीजिए बोल रहा है कि ये क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका रो और कॉलम बराबर होता है जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है है ना स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका रो जितना रहेगा उतना ही कॉलम भी रहेगा तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि जितना एम रहेगा उतना ही एन रहेगा ठीक है तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है चार उसमें से देख लीजिए यहाँ पर तो क्या बोल रहा है फालतू बात कर रहा है कि एम जो है वो छोटा है एन जो है बड़ा है तो हमने क्या बताया कि तुलना अगर दोनों में करेंगे तो वो क्या होगा बराबर होगा तो हम देखेंगे कहाँ पर है भाई तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही क्योंकि जितना एम रहेगा उतना ही एन रहेगा ठीक है तो इसका ऑर्डर सेम रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए चलिए फिर नाइन नंबर देखते हैं कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल देखिए ये जो है इसके बीच में क्या है देख रहे होंगे कोई भी साइन नहीं दिया गया है तो ये मैट्रिक्स बोल रहा है कि एक दूसरे से बराबर है कह रहा है बोल रहा है यहाँ पर तो हम लोग जब एक दूसरे से ये बराबर करके देखेंगे और पता चलेगा कि एक्स वाई का वैल्यू कितना आ रहा है यहां पर तो हम ऑप्शन में देखिए क्लिक कर दिए हैं तो आप उस पर अभी ध्यान मत दीजिए इसको बनाते हैं तो ज्यादा समझ में आपको आएगा चलिए ये क्वेश्चन को बराबर करके देखते हैं थ्री एक्स प्लस सेवन बराबर जीरो फाइव बराबर वाई माइनस टू देखिए यहाँ पर आराम से वाई का वैल्यू इसलिए निकल जाएगा क्योंकि सिर्फ इस इक्वेशन में मात्र एक टर्म है जो कि है वाई तो चलिए वाई का वैल्यू निकाल देते हैं तो ये माइनस टू को उधर खींचेंगे तो ये प्लस टू हो जाएगा ठीक है तो सेवन बराबर वाई तो इससे पता चल गया कि वाई का वैल्यू सेवन है मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकेंड इक्वेशन है अब आगे देखते हैं वाई प्लस वन बराबर एट यहां से भी देखिए y का वैल्यू निकल जाएगा इसको उधर भेजेंगे तो माइनस वाई माइनस वन सॉरी और यहां पर सेवन तो देख रहे हैं कि y का वैल्यू दोनों जगह बिल्कुल सही जा रहा है बिल्कुल सेवन ही आ रहा है क्लियर तो इससे यह पता चलेगा कि y का वैल्यू सेवन है तो है अब आगे देखते हैं टू माइनस थ्री एक्स के बराबर फोर इसको उधर भेजेंगे यह कितना हो जाएगा टू तो एक्स को जब अकेला करेंगे तो माइनस टू बाई थ्री ये चीज आपने पाया कि एक्स का वैल्यू क्या है माइनस टू बाई थ्री अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इस, इस यहां पर भी वही चीज आना चाहिए जैसे आपने दोनों जगह देखा कि वाई का वैल्यू सेवन आ रहा है तो एक जगह तो एक्स का वैल्यू आ गया यहां से भी तो आना चाहिए एक्स का वैल्यू यही चीज तभी वो कहलाएगा एक्स का सही मान्य अब यहाँ ये इक्वेशन को खींच लेते हैं थ्री एक्स को जब अकेला करेंगे तो माइनस सेवन हो जाएगा ना उधर जाने के बाद अब देखिए क्या गड़बड़ हो गया क्या ये दोनों बराबर है माइनस सेवन बाई थ्री और माइनस टू बाई थ्री नहीं ना नहीं है ना बराबर तो अब ऑप्शन देखिए कि हमको क्या ऑप्शन से मतलब है तो y का वैल्यू देख रहे सेवन यहां पर भी है सेवन यहां पर यहां नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन में देखिएगा तो बहुत सारे लोग जो है ऑप्शन नंबर सी में क्लिक कर देंगे सोचें कि माइनस टू बाई थ्री आया था आया था ना लेकिन यहाँ माइनस सेवन बाई थ्री भी तो आया है तो आप कन्फ्यूज़न हो जाएगा इंसान कह अरे ये क्या मामला है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ए सी डी नहीं होगा क्यों क्यों नहीं होगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है एक्स का वैल्यू दो दो अलग अलग टाइप का आ रहा है दो दो वैल्यू आ रहा है अलग अलग टाइप का चूँकि ऐसा होता ही नहीं है जो वैल्यू यहां पर होगा तो वहां पर भी वही चीज होना चाहिए क्योंकि यहां पर क्या बराबर का चिन्ह है साफ बता रहा था कि ये क्या आपस में बराबर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है तो ये मैट्रिक्स क्या है क्वेश्चन ही गलत है तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड ठीक है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है क्लियर फिर से समझाते देखिए वाई का वैल्यू जैसे यहाँ सेवन था तो यहाँ पर भी सेवन था सही जा रहा था तो जो भी यहां पर वैल्यू आया था यहां पर भी वही चीज आना चाहिए अगर यहाँ जो आया वहां पर भी वही आना चाहिए तब उसका मान्य सही कहलाता तो इसीलिए हम इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है अब देखिए टेन नंबर में यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार आया है आपके परीक्षा में द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर थ्री इंटू थ्री विथ इच एंट्री जीरो और वन कह रहा है कि आप कितना पॉसिबल मैट्रिस बना सकते हैं थ्री इंटू थ्री टाइप का अगर उसके अंदर जो एलिमेंट्स है जीरो या तो वन हो नहीं आया समझ में समझाते हैं बहुत ही डिटेलिंग में समझिएगा देखिए थ्री इंटू थ्री टाइप का मैट्रिक्स है ना यानी कि जिसका रो थ्री हो कॉलम भी थ्री हो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसके अंदर जो नंबर है यानी कि एंट्रीज है जीरो इस तरह का हो सकता है ना या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है समझ रहे ना या फिर ऐसा भी तो हो सकता है बहुत सारा हो सकता है बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे कभी कोई जीरो यहां रख दिए कभी वन इधर रख दिए एकदम एक दूसरे एक से अलग अलग टाइप का तो बोल रहा है कितना बन सकता है ऑल पॉसिबल मैट्रेसेस आप बताइए तो बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे तो क्या होगा मालूम है सुबह से रात हो जाएगा पता चला एग्जाम पार हो गया एक नंबर वाले क्वेश्चन में ही तो इसका एक फॉर्मूला है हम आपको समझाते हैं मान लीजिए यहां पर और भी डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाता और भी दूसरा दूसरा तरीके का तो आप कैसे बनाते कैसे हैंडल करते तो समझिए देखिए यहां पर क्या दिया गया है जीरो या तो वन दिया गया है यानी कि ये कितना नंबर है दो नंबर है है ना दो नंबर है ध्यान दीजिए जीरो जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो क्या है थ्री इन थ्री यही है फॉर्मूला समझ में आ गया यानी कि का पावर इसको कैलकुलेट करिएगा तो वो सौ बारह के बराबर होगा समझ में आया अगर मान लीजिए भूल से वन टू थ्री दे दिया जाता या फोर भी दे दिया जाता इतना सारा बाप रे बाप कितना बनेगा सोच रहे हैं तो क्या करना है देखना है कितना चार नंबर दिया गया ना तो चार का पावर अब बोल देता कि फोर इंटू थ्री टाइप का बनाइए तो हम क्या करते ऐसा करते फोर का पावर ट्वेल्व करते अब इसको कैलकुलेट कर लेते ठीक है कैलकुलेट हो जाता थोड़ा सा बहुत बड़ा होगा बहुत बड़ा नंबर होगा दोस्तों ये तो यही फार्मूला है आप इस तरह का क्वेश्चन कहीं से भी इंटरनेट से क्वेश्चन बैंक से सैंपल पेपर से निकालिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो यही ये, ये समझाने के लिए था अलग से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 512 ऑप्शन नंबर डी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं अगले वीडियोज़ में जय हिंद वंदे मातरम ख्याल रखिएगा अपना